काठमांडू में 15 दिन रहने के बाद अब मैं निकलता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तरफ। ओवरनाइट बस जर्नी करके मैं अगले दिन पहुँचता हूँ सिलगुड़ी। सिलगुड़ी बस में मेरे को मिलते हैं प्रेमा दाजू, जो कि एक छोटे से गांव चुनाभट्टी में रहते हैं, और हम लोग निकलते हैं उस गांव के तरफ। और रास्ते में निकलते निकलते हो जाती हमारी बस ख़राब, थोड़ा टाइम लगता है बस रिपेयर करने के लिए, और जैसे तैसे करके हम थोड़ी देर के बाद निकलते हैं। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं प्रेमा दाजू के घर। वहाँ पर मिलता है बहुत टेस्टी खाना। फिर खाना खा के हम लोग निकलते हैं भूटान बॉर्डर के तरफ। यहाँ कुछ लड़ाई हो रही है और हम लोग वो लड़ाई छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। घूमते फिरते फिर मैं पहुँच जाता हूँ भूटान बॉर्डर। वहाँ से पहुँचने के बाद पता चलता है कि नॉन इंडियन लेन के लिए वहाँ पर $200 पर डे का खर्चा रहता है। ये सुन के मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। फिर भी मेरे को प्रेमा दाजू आजू बाजू घुमा देते हैं। मेरा मूड और अच्छा करने के लिए प्रेमा दाजू गाना गाने लग जाते हैं। और फिर मैं एक लॉटरी ले लेता हूँ, जो मैंने कुछ जीता नहीं। फिर शाम को प्रेमा दाजू मेरे को एक मेला दिखाने लेके चले जाते हैं पास के गांव में। वहां जाके हमने बहुत सारी चीज़ देख ली हैं। आजू बाजू ऐसे हम लोग घूमने लग जाते हैं। फिर प्रेमा दाजू ने मेरे को एक और उनके दोस्त से दावत आदि से मिला। फिर हम लोग देखते हैं मौत का कुआँ। फिर ये सब देखने के बाद बस चांदनी के रोशनी के नीचे हम लोग वापस घर आ जाते हैं और आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं।